कैंसर ऑफ माइंड यानी डिप्रेशन, ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस मेंटल इलनेस है जिसका सही वक्त पर इलाज ना मिलना इंसान की लाइफ के लिए ख़तरा बन सकता है। डिप्रेशन के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि इसे इजीली पहचाना जा सकता है। मोस्टली जब किसी मूवी में या कहीं भी किसी डिप्रेस्ड इंसान को प्रेजेंट किया जाता है तो यही दिखाया जाता है कि जो इंसान एकदम सैड दिख रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा, वो डिप्रेस्ड है। जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। डिप्रेशन हमेशा इतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है और यही वजह है कि हम में से काफ़ी सारे लोग इससे साइलेंटली जूझते रहते हैं। काफ़ी बार जब तक ये कन्फर्म होता है कि इंसान डिप्रेस्ड है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अगर डिप्रेशन के साइंस स्टार्टिंग में पता लग जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिप्रेशन के कुछ हिडन साइंस जिनसे आपको डिप्रेशन को पहचानने में मदद मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं ये साइंस और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहला साइन है, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया, हमेशा डिप्रेशन वो ही नहीं होता जैसा कि मूवी में दिखाया जाता है। डिप्रेस्ड इंसान सोसाइटी में एक नॉर्मल लाइफ जीता है, लाइक स्माइलिंग आउटसाइड पेन इनसाइड, और इस तरह के डिप्रेशन को स्माइलिंग डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इंसान डिप्रेशन के सारे साइंस एक स्माइल के पीछे कवर कर लेता है। अगर आप ना चाहते हुए भी दूसरों के सामने खुद को खुश प्रटेंड कर रहे हो और अकेले समय में वापस सैडनेस से घिर जाते हो सकता है कि आप में भी डिप्रेशन की शुरुआत हो चुकी हो। नंबर 2, डिप्रेशन फेस कर रहे लोगों में कंसिस्टेंसी की कमी क्लियरली देखी जा सकती है। बात खाने की हो, सोने की हो, डिप्रेस्ड लोगों में इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं बन पाता। हमारी नींद ही हमारी अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की नींव होती है। तो अगर कोई इंसान सो ही नहीं पा रहा या फिर जरूरत से ज्यादा सो रहा है तो ये एक हिडन साइन हो सकता है डिप्रेशन का। सेम चीज आती है खाने के लिए। पहली बात तो खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कभी बिल्कुल नहीं खा पाते और कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं। डिप्रेस लोग कई बार सोचते सोचते ज़्यादा खा लेते हैं तो कई बार खुद को नॉर्मल फील कराने के लिए ज़्यादा खा लेते हैं। इस तरह अगर आप में खाने और सोने जैसी बेसिक चीज़ों को लेकर भी इंटरेस्ट खत्म हो गया या फिर कम हो गया है तो ये एक साइन हो सकता है डिप्रेशन का। नंबर 3, कई बार डिप्रेस लोगों में सैडनेस ना होकर एंगर इश्यूज देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें बिना वजह गुस्सा होना, जल्दी इरिटेट हो जाना जैसे साइंस कॉमनली देखे जाते हैं। इसी तरह जल्दी जल्दी मूड चेंजेस देखने को भी मिलते हैं। एक पल वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा और अगले ही सेकंड वो नॉर्मल या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो ये भी एक साइन हो सकता है डिप्रेशन का। नंबर 4, अनडायग्नोस्ड डिप्रेशन में इंसान एक प्रॉपर नींद लेने के बाद सुबह उठने पर हमेशा ऐसा फील करता है जैसे वो कुछ ही देर सोया है। एक परमानेंट थकावट हमेशा उस इंसान के साथ रहती है। अपना मनपसंद काम करना हो या खाना, वो हमेशा ही एग्जॉस्टेड फील करता है। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर वक्त लोगों को यही लगता है कि वो शायद ज़्यादा लेजी हो गए हैं या फिर उनका एनर्जी लेवल लो हो गया है। लेकिन ये साइन डिप्रेशन को सेंस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन है। नंबर 5, डिप्रेस लोगों की लाइफ में नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये एक मूड डिसऑर्डर है तो मूड स्विंग्स दिखना तो नॉर्मल है। कई बार उनकी सुबह होती है एक बहुत लो एनर्जी के साथ जिसमें वो कोई भी काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगले ही दिन वो उठते ही बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पिछले कुछ दिनों में बुरा कुछ हुआ ही नहीं है। और इसी फीलिंग के साथ उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स अब खुद ही हैंडल कर सकते हैं और वो सब कुछ नॉर्मल करने में लग जाते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में उनको फुली रिकवर्ड समझ लेना या नॉर्मल समझ लेना उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो ये अप्स एंड डाउन दोनों में ही हमें डिप्रेस इंसान का सपोर्ट बने रहने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपकी लाइफ में भी जल्दी जल्दी ऐसे अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर डिप्रेशन की शुरुआत हो रही हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ हिडन साइंस जो आपको डिप्रेशन को पहचानने में आपकी मदद कर सकते हैं। वैसे तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस पर अगर शुरू से ही ध्यान दिया जाए
मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, डिप्रेस लोगों को सपोर्ट किया जाए, तो उन्हें आसानी से इस प्रॉब्लम से दूर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं डिप्रेशन के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो में आपको डिटेल में डिप्रेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ इस इन्फो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।